So, hello everyone. Okay, so we are here to learn very interesting thing today कि हम कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे बना सकते हैं खाली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से. ठीक है, आ जाने दो सबको, फिर हम ज्वाइन करते हैं, हम चालू करते हैं थोड़ा देर में. ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत कम लोग आए हैं, तो लेट्स वेट, शायद 5 बजे तक ज्वाइन हो जाए, नहीं तो हम स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, और इसका रिकॉर्डेड शेयर कर देंगे फिर उसके बाद. सो लेट्स स्टार्ट. 2 मिनट बाकी है, हम ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, मैं ग्रुप में मैसेज भी डाल देता हूँ, प्लीज ज्वाइन. जस्ट अ मिनट. So let's start. So let's start. Hello everyone. So आज हम जानने वाले हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से पैसे बना सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग क्या है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट एक कॉमन चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. ठीक है, सो हम लोग आज देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम संभाल सके तो कैसे पैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और दूसरी चीज कि अगर उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो कितने टाइम में हमारे पैसे डबल या 3 या 4 गुना हो सकते हैं. ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, बट अगर एक्यूरेटली पिन पॉइंट पे अगर हम उसको लेके जाए तो इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन. ठीक है, तो अगर डिसिप्लिन में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो जो मेथड्स मैंने बताए उसको फॉलो करके, तो हम डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हैं. ठीक है, अगर इसमें पैसे बन नहीं रहे होते तो कई लोग इसमें से अपना करियर क्विट कर चुके होते, और वही लोग इसमें सक्सेसफुल हैं जो जिन्होंने अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखा हुआ है. ठीक है, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन. सो माय पॉइंट इज दैट कि आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो, जो भी पैरामीटर आप लोग देख रहे हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए क्या होता है, तो आप लोग अगर देखना चाहो तो आप लोगों के पार्ट होता है कि मैं जितना चाहे उतना ट्रेडिंग करूं, बट मुझे हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. सो बीइंग अ जेन्युइन पर्सन, यू शुड ऑलवेज ट्राई कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा समझो कि एक बिजनेस है, और इसमें हमेशा हम नहीं जीत पाएंगे. ठीक है, चाहे हम कितने भी सही हो, हम एक ही चीज से जीत सकते हैं, वो है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. ठीक है, सो मैं जिसको रूल नंबर 72 भी बोलता हूँ, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, मैं कभी लिंक में दे दूंगा अभी आपको. ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है क्या, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप कितना कमा रहे हो और कितना गवा रहे हो. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रेडिंग के अंदर होता है कमाना और गवाना. ठीक है, सो अगर हम कमाने बैठे हैं तो हमें ये चीज दिमाग में डाल लेनी है कि मार्केट में रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, तो हमारा पहले रिवॉर्ड की जगह हम पहले रिस्क देखेंगे, हम रिस्क कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इजी है, हम रोज लॉस करना चाहे तो हम रोज लॉस कर सकते हैं, बट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना नहीं है. ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर तो सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हैं, और जितने मर्जी चाहे ट्रेड पूरे दिन बैठ के करते रहते हैं. ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको 9:30 से लेकर 3:30 तक ट्रेड करना है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ट्रेड उसके बाद छोड़ दो. भले ही आप स्कैल्पर हो, उसमें क्या होता है, स्क्रीन में सब दिख रहा होता है एनएससी बीएससी और सेबी वालों को कि आप कितना कमा रहे हो. ठीक है, तो वो आपका सारा स्क्रीन में से सारा प्रॉफिट ले जाएंगे अगर आप स्क्रीन छोड़ के नहीं जाओगे. ठीक है, तो सबसे ज्यादा लॉस होता है वो किसको होता है, ओवर ट्रेडिंग वाले को.
ठीक है, ये गलतियां मैंने भी बहुत बार की है, गलती करनी गलत नहीं है, और उसमें क्या होता है अगर हम गलती करेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, बट गलती को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम क्या करेंगे, हम स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे कि बाजार में अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर हम इंपॉर्टेंट चीजें पैरामीटर को फॉलो करें तो हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक शीट बनाई है, ठीक है, आज के बाद आप भी एक एक्सेल शीट ऐसी बना लेना जो मैं रेगुलर बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको मेरा एक एक्सेल शीट शेयर करता हूँ। देखो ये नवंबर का है, ये दिसंबर का है, अभी करंट मंथ का है। ठीक है, सो एवरी मंथ देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी मेरी, जस्ट अ मिनट आई एम शेयरिंग यू माय स्क्रीन। अगर मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं आपको कुछ इस तरीके से मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, जिसमें मैंने रखा हुआ है कि मैं कितने पॉइंट गवाऊंगा और कितने पॉइंट कमाऊंगा। ठीक है, तो जो भी पहले पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे हमको एनएससी बीएससी के एडवांस डिक्लाइन देखने हैं, इंडिकेटर्स देखने हैं, कुछ बेसिक चीजें फॉलो करनी है, तो ये जो पॉइंट्स हैं मैंने उसी हिसाब से बनाए हैं। आप एक चीज देखो, ये करंट मंथ चल रहा है नवंबर जनवरी का, और हमने कितने ट्रेड लिए, हमको कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सो मान लो अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, कि एग्जाम्पल आप डेली ट्रेडिंग करते हो, आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पहली एक चीज याद रखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। अगर मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताऊं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब यहाँ पे सीधा होता है कि हम कितना गवा रहे हैं कितना कमा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम रोज ट्रेड लेते हैं, तो रोज ट्रेड लेते हैं इतना सब जानने के बाद भी हम क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि हम लॉस बड़ा करते हैं प्रॉफिट कम करते हैं, बट हमको यहाँ पे उल्टा करना है। ठीक है, यहाँ पे रूल नंबर 72 अगर आप अप्लाई करते हो, तो रूल नंबर 72 का मतलब क्या है, अब दिन में कितना कमा रहे हो और आपके पैसे कितने टाइम में डबल हो जाएंगे वो उसमें बताता है। तो यूनिवर्स का कोई भी बिजनेस है अगर रूल नंबर 72 से चल रहा है वो एक्यूरेटली चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, अगर हम दिन में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर देखें, तो फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरे को अगर 10 पॉइंट्स कमाने हैं, ठीक है, अगर 5 पॉइंट्स का लॉस कर रहा हूं तो मेरे को 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रख लेनी है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जो मुझे डाइजेस्ट हो पाए। तो मैं क्या करता हूं कि मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है, तो मान लो यहां पे मैंने 10 पॉइंट्स लिए और 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट रखा। ठीक है, तो ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया कैसा, सॉरी 10 पॉइंट एंड ये मेरा लॉस स्टॉप लॉस हो गया और यहां पे मेरा प्रॉफिट हो गया 20 पॉइंट्स का। ठीक है, सो यहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो रहा है, यहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो रहा है 1:2 का। ठीक है, मतलब मैं 10 पॉइंट्स का लॉस करूंगा और 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट करूंगा, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया 10:2, 10:2 नहीं 1:2 का। तो 1:1 बोलते हैं, जैसे गुजराती में कहते हैं ना 1:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। ठीक है, आप पहले अगर डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो तो 1:1 का रेशियो फॉलो करो, उसके बाद अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा रहा है तो 1:2 के रेशियो पे जाओ, उसके बाद 1:3 के रेशियो पे जाओ। तो मैं जो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी एक्सेल शीट है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हो लाइव। तो मान लो ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, मैंने यहाँ पे निफ्टी का रखा हुआ है और यहाँ पे बैंक निफ्टी का रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से एक्सेल शीट बनानी है। तो मान लो यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट रखा हुआ है, 50 का लॉट होता है। ठीक है, तो अगर मैं 20 अगर मैं 50 लॉट, अगर मैं 10 लॉट बाई कर रहा हूं तो मेरी 500 क्वांटिटी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितने पॉइंट पे, वहां पे क्लियरली दिखेगा आपको। ठीक है, और अगर मैं रेगुलर भी हारता हूं, ठीक है, तो भी मैं ओवरऑल लॉस में ज्यादा नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मेरा सक्सेस रेशियो अच्छा है, अगर मेरा डिसिप्लिन अच्छा है, तो मंथ एंड में मैं प्रॉफिट लेके निकलूंगा। ठीक है, आगे के मैं आपको शीट शेयर करता हूँ, आप अगर यहाँ पे देखो तो अभी तक का हमारा M2M कितना है, यहाँ पे आपको दिखेगा अभी तक का हमारा M2M यहाँ पे 60,000 है। ठीक है, सो करंट मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे लॉस कितना है, तो आप लॉस देखना चाहो तो 20,000 का है। ठीक
ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहें। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ बैंक निफ्टी की बात करूंगा। यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखा है मैंने, मतलब अगर मैं 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ तो मैं 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा हो गया मेरा, 10,000 का प्रॉफिट और 5,000 का लॉस। ठीक है, मैं 10 ले रहा हूँ और 5,000 का लॉस कर रहा हूँ, बट ये रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आपको पैसे डेफिनेटली मिलेंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई हो रही है, आप देखो यहाँ पे 60-20 का लॉस। ठीक है, अगर आप दिसंबर में जाओ, दिसंबर में सेम चीज अप्लाई हो रही है। ये देखिए यहाँ पे आप अगर आप ये देखो, इसमें ये मैंने नेट टू नेट मेरा प्रॉफिट लेगा, टैक्स वैक्स बाद में लिखूंगा मैं। ठीक है, वो सब बाद में आएगा। सो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको, उसमें से लॉस कितना हो रहा है 35,000 का। तो मोटा मोटी आपको इतना काटने के बाद भी 1,15,000 रुपए मिल रहे हैं अगर आप क्वांटिटी में काम करते हो। तो अगर आप वन लॉट में काम करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस हिसाब से रखना, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा गलती क्या होता है, वो लोग अपने हिसाब से लॉस अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रखते हैं कि मेरा मन नहीं था इसलिए मैं निकल जाऊंगा। देखो, स्टॉक मार्केट में मन नहीं था, मुझे लगता नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। ऐसा समझ लो कि आपने जहां पे बाय किया है ना, वहां से मार्केट नीचे जाने ही वाला है। तो आपको स्टॉप लॉस इसीलिए रखना जरूरी है क्योंकि आपका डिसिप्लिन पैटर्न बहुत जरूरी है मार्केट के लिए। मार्केट में इतनी सारी वॉलेटिलिटी अभी चालू हो गई है, ये मई जून तक कैरी ऑन रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, कुछ इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका रहेगा। यही चीज नवंबर में देखो, ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर की, यहाँ पे सेम चीज अप्लाई हो रही है। ठीक है, सो आप इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हो। दूसरी चीज के एक चीज याद रखो, आप सारे इंडिकेटर देख के अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको लॉस कहां से होगा। ठीक है, अगर आप 5 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन ट्रेड कर रहे हो और रोज अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट कर रहे हो, इसीलिए मेरा सक्सेस रेशियो इतना अच्छा आ रहा है। 10:2, 10:8 का सक्सेस रेशियो है, 10:7 का सक्सेस। अगर 65% भी आपका सक्सेस रेशियो है तो भी आप इसमें पैसे कमा लोगे। ठीक है, तो मैं आपको मोटा मोटी यही पैरामीटर बता रहा था कि आप ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के कैसे पैसे कमा सकते हो। दूसरी चीज आपको शेयर करता हूं मैं यहाँ पे कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको इतना कन्वीनियंसी दे ट्रेडिंग के अलावा। क्योंकि क्या होता है, सब जगह इन्वेंट्री होती है, गोडाउन का खर्चा है, लोगों को सैलरी देने का खर्चा है, दुनिया भर का खर्चा है, राइट। ये ट्रेडिंग इज ऐसा प्रोफेशन है जहां आप बिना इन्वेंट्री के पैसे कमा सकते हो। आपको चाहिए क्या, सिर्फ मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए या तो इंटरनेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर सुबह सुबह आपको 10-15 हजार या 12 हजार रुपए मिल जाए तो उसके बाद ट्रेडिंग करने की जरूरत क्या है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है आपको 10-12 मिनट में इतने पैसे देने वाला। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन छोड़ते नहीं है। देखो, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखोगे तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। अभी और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप पकड़ लो कि ये आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। मान लो कि आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया है, ठीक है, आपके पास 22 दिन है, ऐसा एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 24 ट्रेडिंग डेज है हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोज पर प्रॉफिट मिलेगा, हमारे पास 24 ट्रेडिंग डेज है ऐसा समझ लो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये मैंने रखा है 10 पॉइंट्स के हिसाब से, 20 पॉइंट्स के हिसाब से स्टॉप लॉस रखा है निफ्टी ऑप्शंस का। ठीक है, स्टॉक में भी आप यही अप्लाई कर सकते हो। तो और यहाँ पे ऐसा मान लो कि आप 50% दिन गलत होते हो, जस्ट अ मिनट, इसमें से 12 दिन आप लॉस कर रहे हो, जिसको मैं रेड में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, सॉरी मेरा एक्सेल उतना परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको कन्विंस करने का ट्राई कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ऐसा समझो आपको इस दिन लॉस हुआ है पर आपको सिर्फ 500 पॉइंट्स का हुआ है। ठीक है, अभी आप देखो, अगर आपको रोज लॉस होता है रेगुलर भी तो भी आप लॉस में नहीं रहोगे बॉस, इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, सो ये अगर रेशियो आप रेगुलरली फॉलो करोगे ना तो आपके अंदर एक गट फीलिंग आ जाएगी कि भाई बॉस बाजार में पैसे बनते हैं, बस मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो संभालना है, कोई ज्यादा दिमाग का दही नहीं करना है। ठीक है, सॉरी थोड़े हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है,
हम लोग अगर रेशियो फॉलो नहीं करेंगे और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो हमको लॉस होना तय है। अभी यहाँ पे मैं वही कैलकुलेशन बता रहा था आपको, चलो अभी यहाँ पे चलते हैं 24 दिन में से हमने कितने दिन लॉस किया और एक दिन ट्रेड नहीं किया, चलो कुछ एक रीजन हो गया, चलो वो भी लिख देता हूं मैं 500, ठीक है। ये एकदम रिटेल, अगर 5000 से भी आप ट्रेड करते तो भी कोई इश्यू नहीं है, पॉइंट इज दैट आपको पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चलते हैं तो अभी मोटा मोटी अगर आप देखो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है 11000 का, ठीक है। मैं खाली बात कर रहा हूं ये एक लॉट पे काम करने की, आपको 11000 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, और ये कहने के लिए सही है। मुझे पता है इमोशन बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग निकलते नहीं है, मेरे साथ भी ये होता है, बट अभी क्या हमें सब छोड़ेंगे नहीं ना, तो हम उसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी हमने प्रॉफिट देखा 11000 का, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉस, तो लॉस कितना हो रहा है हमारा 6500 का। अभी हम इसमें से 6500 माइनस कर देंगे अगर यहाँ पे, तो आप देखो सीधा सीधा आप एक प्रॉफिट पॉइंट पे आ चुके हो, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है आपसे कि आप डिसिप्लिन में ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी दूसरी बात, अभी इसका रिटर्न कैसे गिनेंगे, मान लो आपने 5000 रुपए डाले और आपको 11000 में से 6500 का लॉस हो गया, तो भी आप अच्छे खासे पीएनएल पे बैठे हो जिसका रिटर्न आपका 22-23% के आसपास बैठता है, 23% मिनिमम, ये 24% के आजूबाजू आपका रिटर्न बैठेगा। बट आपके दिमाग में ये डाल देना है कि बिना रिस्क रिवॉर्ड के मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर आप डेली हर एक स्टेप को फॉलो करोगे, जैसे मैंने एक्सेल बनाया है, मैं आपको चाहिए तो मैं ये अगर वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, या तो अगर मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ये वीडियो तब मैं डाल दूंगा, तो अगर ये एक्सेल आपको चाहिए तो मैं वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आपका परसेप्शन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत क्लियर होना चाहिए, और दूसरा रूल नंबर 72। तो मान लो 23% आप हर महीने कमाते हो, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम रिटर्न है, ठीक है, तो आपके कितने दिन में पैसे डबल हो रहे हैं, 23% अब यहां पे भी डाल दो, ठीक है, 23% अब यहां से भी डाल दो, तो अगर आप आपके पैसे मोटा मोटी चार महीने में डबल हो गए। मैं यहां मैजिकल नंबर नहीं बता रहा हूं, मैं एकदम घिसा पिटा नंबर बता रहा हूं, अगर दिन का 2-3% भी निकलता है 22 ट्रेडिंग डेज में, ठीक है, अगर आपको 500 का लॉस हो रहा है तो 22 दिन में आप सोच लो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस होगा बॉस, ठीक है, बट ऐसा तो होने वाला है नहीं, इसीलिए डिसिप्लिन जरूरी है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका ये रिटर्न कितना हो गया, देखो 92% के आजू बाजू आपका रिटर्न यहाँ पे बैठ रहा है, तो आपका रिटर्न यहाँ पे 92% हो गया चार महीने का। आई नो नंबर्स बहुत बड़े लग रहे हैं, बट अगर एक्यूरेटली आप ट्रेडिंग करते हो, मैंने देखा है, देखो अभी जो मैं कॉल्स दे रहा हूं उसके अंदर कई ट्रेडर्स हैं जिनको मैंने 5000 से ज्यादा डालने को ना बोला है, अभी उसमें से 10 में से, आप एक अप्रॉक्स नंबर बता रहा हूं, 10 में से 7 से 8 लोग हैं जिनका पीएनएल 11-12 हजार के आजू बाजू है। अगर 5000 डाल के बॉस अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते तो 11000-12000 रुपए कुछ कम अमाउंट नहीं, आपके पैसे ऑलमोस्ट एक महीने में डबल हो गए, मैं 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और ये लाइव एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं जो मैं रेगुलरली कॉल्स दे रहा हूं और मेरा खुद का भी सेटअप मैं यूज कर रहा हूं उसके अंदर। 1-2 दिन ऐसे जाएंगे कि आपको रिटर्न नहीं निकलेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक हेल्दी रिटर्न मिलेगा अगर आप रूल नंबर 72 और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो। बट आपको एक स्टिक रखना पड़ेगा कि अगर मेरी एक्यूरेसी खराब है तो मैं 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा, अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी है तो मैं 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा, बट 20 पॉइंट्स के सामने अगर 20 पॉइंट्स ले रहे हो तो आर आर आपका 1:1 का हो गया, 1:1, ठीक है। अगर आप 1:2 का रेशियो रखते हो तो 1:2 कर दो, आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट। अगर आर आर रेशियो आपका और अच्छा है तो 1:3 पे जाओ, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि 1:2 के ऊपर जाओ, क्योंकि क्या होता है अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने 1:3 रखा है तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो बेटर है ये 1:2 के, मैं अब जो प्रीफर कर रहा हूं आपको, इसके बाहर मत निकलो, आई एम वेरी क्लियर इन दिस, आप इसके बाहर मत निकलना, क्योंकि क्या होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जवाब दे देगा कि बस भाई बहुत हो गया प्रॉफिट, अभी निकल जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो मेरा कहने का मतलब आपको यही है, जस्ट अ मिनट, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, 72 रूल लिखना है एक्सेल के अंदर, और उसके बाद आर आर लिखना है जिसको कहते हैं रिस्क
टू रिवॉर्ड, उसके बाद जाना है डेली गेन, ठीक है, डेली गेन, और उसके बाद आपको इसके अंदर एक और चीज फॉलो करनी है, मैटर्स, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है टाइम, ठीक है। इसमें ओटीपी लिखना आप, टाइम में क्यों बोल रहा हूं, मैं टाइम बोल रहा हूं क्योंकि कितने टाइम के अंदर पैसा आप कमा रहे हो, रीजन है कि इतने टाइम, मान लो कि आपने 1,500-2,000 रुपए कमाए, इतने के लिए लोग पूरे दिन काम करते हैं बॉस, ठीक है, बट अगर आपको 1,500-2,000 रुपए 15-20 मिनट के अंदर मिल गए तो हमको ट्रेडिंग करने की, ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत क्या है, ठीक है। सो ये तीन चीजें मैं बोल रहा हूं, इसके अंदर है कितने टाइम में पैसे डबल हो रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड में है 1:1, 1:2, 1:3, ठीक है। दिस शुड बी अ पैटर्न। सी, मेरा वेबिनार थोड़ा बोरिंग हो सकता है बट आपको एक्यूरेसी तो इसी से मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज, डेली गेन इन परसेंटेज आप खुद निकालना सीख जाओ, और टाइम, टाइम मतलब एक मिनट, आपको 10 मिनट्स में पैसे मिले, 15 मिनट्स में पैसे मिले, ये पूरे दिन में ट्रेडिंग करके पैसे मिले, देखो इतना करने के बाद आपको पूरे दिन ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं, आपका बहुत सारा काम होता है, आपके पास काम नहीं तो मुझे बोल देना, मैं कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, आप वो काम कर देना, ठीक है, आई विल पे यू फॉर दैट, डोंट वरी। बट ये चीजें यूज करके आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। सो ये चीजें आपको जो बतानी थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है, जो मैंने आपको इंडिकेटर्स भी बताए थे, राइट, एक RSI मेरा थंब रूल वाला, ठीक है, जिसके अंदर दूसरा मैंने MACD बताया आपको, फिर मैंने आपको CMMACD बताया, ठीक है। इसके अलावा और एक एक्यूरेट इंडिकेटर मैंने आपको जो बताया, CM EMA ट्रेंड बार, ठीक है। इतने से आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, मार्केट में कोई गारंटी नहीं देगा, 65% आप आराम से कमा लोगे, 65% की, सॉरी 65% की आपको एक्यूरेसी निकल जाएगी, मैं 65% की बात कर रहा था, सॉरी 65% की आपकी एक्यूरेसी निकल जाएगी। अगर 65% की एक्यूरेसी निकलती है बॉस, तो आप आराम से पैसे बना सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, और ये बहुत ही अच्छा रेशियो है। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ 75% से 85% की एक्यूरेसी पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट स्पान में मेरे पैसे ग्रो कर पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये रेशियो में मेरे काम आ रहा है ये वाला, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि आप भी अप्लाई कर सकते हो और आप भी इस तरीके से पैसे कमा सकते हो। और इसके अंदर मैं और एक चीज आपको ऐड कर देता हूं, अगर जिसने मेरा वेबिनार अटेंड नहीं किया था, इसके अंदर बाय जोन आपको डाल देना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, 50 से 70 के बीच में आपको बाय करना है मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पीसी, पॉजिटिव क्रॉसओवर में बाय करना है, सेम चीज यहाँ पे भी पीसी में बाय करना है विद ग्रीन लाइन, फाइन, यहाँ पे भी आपको ग्रीन लाइन में ही बाय करना है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट आई नीड टू शेयर यू। सो इस तरीके से आप, ठीक है, तो आप इस तरीके से पैसे, इतनी चीजें रख के कमा सकते हो, और इसमें अगर 65-75% की एक्यूरेसी मिल रही है बॉस, आपको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, आप खुद पैसे बना सकते हो, ठीक है। सो इतनी चीज नोट डाउन कर लेना बॉस, एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट यू कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस। और कहीं भी आप अटक रहे हो तो मैं ये एक्सेल शीट आपको शेयर कर दूंगा, बस आप डिसिप्लिन फॉलो करो, डिसिप्लिन से आगे कोई इंडिकेटर नहीं है। और दूसरा, ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग बंद नहीं करोगे ना बॉस, तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं, कोई कमा के नहीं दे पाएगा, सॉरी, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो आपको कमा के कोई नहीं दे पाएगा, चाहे वो कितना भी एक्यूरेट आपको टिप्स दे रहा हो, क्योंकि हमारे इमोशन तभी अंदर घुसे रहते हैं जब पूरे पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। जरूरत क्या है पूरे दिन स्क्रीन पे बैठने का, मुझे ये समझ में नहीं आता, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, स्क्रीन देखो बट लर्निंग के लिए देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो कुछ हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, देख के तो कोई हर मिनट में ट्रेड करने वाले हो नहीं। तो अगर आपको 10-15 मिनट और 1-1.5 घंटे में पैसे मिल जाते हैं तो आप उसको क्विट कर सकते हो। दूसरा, एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को आपको बताना है यहाँ पे, टाइम जोन। सो व्हाट इज टाइम जोन? ट्रेडिंग के लिए कुछ टाइम जोन होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का अगर एक्यूरेटली रखनी है तो टाइम जोन मेरे लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। टाइम जोन जो है ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है, 9:15 से
10 AM, ठीक है। उसके बाद अब मैं कह रहा हूं ट्रेड ना ही करो तो अच्छा है, उसके बाद 1:30 2:30 ये टाइम जोन में ट्रेड करो, उसके बाद बॉस ट्रेड मत करो आप, क्योंकि क्या होता है इसके बाद जो वॉलेटिलिटी होती है ना आपको डाइजेस्ट नहीं होगी। और दूसरा इसके ये तो पूरा साइडवेज आप कह सकते हो, ठीक है, और ये पिछले 1-1.5 महीने से यही चल रहा है अभी, और मैं तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट है इसी इस जोन में आप ट्रेड कर रहे हो 9:15 से 10 बजे तक अगर आपको पैसे मिल जाते हो ट्रेड मत करो, 1:30 से 2:30 तक, क्योंकि उसके बाद जो बल्क डील होता है जो भी कुछ एंट्री एग्जिट की पोजीशन होती है बहुत हैवी होती है तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगी। आज भी आपने देखा होगा मार्केट नीचे से कैसे रिकवर हो गया, कितना माइनस था और कहां पे आके बंद हुआ, सेम चीज सुबह होती है, कल जो मैंने बेचने को ना बोला था वहां से कितना बड़ा अपटिक आया, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो कल भी यस्टरडे भी आपने पैसे गवाए होंगे इतनी वॉलेटिलिटी में, आज भी आपने गवाए होंगे अगर आप बेच के बैठे रहे होंगे तो, ठीक है। सो इस जोन के बाद आप ट्रेड ना करो तो आपकी एक्यूरेसी 110% निकल के आ जाएगी। बस पॉइंट इज दैट आपको इस पॉइंट पे स्टिक रहना है कि 9:15 से 10 बजे तक अगर मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं टर्मिनल नहीं खोलूंगा, और उसके बाद अगर मेरा मौका छूट गया तो 1:30 से 2:30 के अंदर अगर मुझे पैसे मिल जाते तो मैं टर्मिनल नहीं छोड़ूंगा। तो इतनी चीजें आपको फॉलो करनी है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब चीजों पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं आपके, टिक बाय टिक आप अगर रोज एक वीडियो भी देखोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा, एंड आई प्रॉमिस यू दैट अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। चलो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आज मैंने कुछ आपको इंडिकेटर शेयर नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, और जो लोग लेट आए हैं उनको मैं फिर से ये एक्सेल शीट शेयर कर देता हूं तो शायद आपको आइडिया आ जाएगा। देखो मैं ये आपको ये जिन्होंने मिस कर दिया उनको मैं फिर से बता देता हूँ, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखना है, ये 1:2 है या तो 1:1, अगर आप डेली 1000-1000 रुपए कमाते हो, ठीक है, और डेली 500 भी कमाते हो तो भी आपका लॉस नहीं होगा अगर अभी एक्यूरेसी 65% की है, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स आपको 20 पॉइंट्स कमाने के लिए 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है और डेली यही करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ मैंने बना के मेरा खुद का रखा हुआ है, सॉरी मैं शेयर करना चाहता नहीं था बट ये मैं कर रहा हूँ आपके सामने। सो इस हिसाब से प्रॉफिट लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मेरा एक्यूरेसी सही है उसके बाद भी अगर मुझे स्टॉप लॉस हो रहा है तो रिटेल ट्रेडर को तो एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सो आप देख सकते हो 60,000 का गेन है अभी तक और उसमें लॉस मेरे को 20,000 का आया था, तो भी मैं 40,000 प्लस में हूँ। दूसरा यहाँ पे देख लो, ये बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी में मैं कम ट्रेड करता हूँ बट अभी मैं मजा आ रहा है मेरे को ट्रेड करने में थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ, सेम 60 और यहाँ पे लॉस कितना है मेरे को 20,000 का, तो ओवरऑल 80K प्लस है मेरा, ठीक है। ये दिसंबर का है तो दिसंबर में आप देख सकते हो ये पूरा मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे PNL, जस्ट अ मिनट, 1.5 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से लॉस मेरे को 5,000, देखो ओवरऑल 35,000 का लॉस है, लॉस तो मुझे भी होता ही, ऐसा नहीं होता है, बट हमको क्या है मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, हो गया काम खत्म करो, बहुत सारा काम है हमारे पास। सेम चीज बैंक निफ्टी में है, देखो अगर मैं कह रहा हूं अगर आप रोज भी लॉस करोगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखोगे तो आपका PNL तो ग्रीन में ही रहने वाला है, दैट इज वेरी मच श्योर, ठीक है। इतना कमाने के बाद भी अगर 40 ज्यादा है तो भी आप कुछ ना कुछ तो प्लस में रहोगे, तो भी आप 12-13% कमाओगे, ठीक है। और एक चीज, इंडिया में कितने लोग इन्वेस्ट कहां करते हैं, वो FDs में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, बहुत सारी जगह करते हैं, बट आपको 15-12% अगर महीने का इसमें से मिल रहा है बॉस, तो आप सोच लो बहुत ही शॉर्ट टाइम में अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो तो आपके पैसे डबल हो सकते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच, और अगर आप लोगों को इसमें से थोड़ा भी इंसाइट मिला हुआ है, मेरा नवंबर का शीट है, तो आप इस तरीके से कुछ आपका एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हो और उसमें से पैसे बना सकते हो, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, और कहीं कुछ छूट गया हो तो आप मेरे को डेफिनेटली मैसेज कर देना, आई विल अपडेट यू ऑन दिस, थैंक यू वेरी मच।